क्लास प्लस टू क्लास स्टूडेंट हम आपके केमिस्ट्री का बेटा फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री तो हमने यहाँ तक किया था बेटा इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन दी सॉलिड्स तो कौन से फैक्टर अफेक्ट fact करते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस को ऑफ़ गैसेज ऑन सॉलिड तो फर्स्ट है बेटा हमारा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट तो बच्चे ये किस कैसे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एबजॉपन इज़ नॉन स्पेसिफ़िक इन नेचर एंड देयर फॉर एवरी गैस अफेक्ट गेट्स अब्जर्ब ऑन दी सर्फेस ऑफ एनी सॉलिड टू लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट तो क्या होता है इसका जो नेचर होता है नॉन स्पेसिफ़िक होता है इसीलिए इनके जो सर्फेस होता है जो हमारे पास बहुत सारी गैसेज होती है ठीक है वो किसी भी जो हमारा सर्फेस है सॉलिड उसके ऊपर जो गैसेज होती है वो क्या हो जाती है अबजर्व हो जाती है ठीक है कम अमाउंट में भी हो सकती है ज़्यादा में भी हो सकती है ठीक है वो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा उनका नेचर है ठीक है जैसे आपके पास कौन सी गैसेस होती है एन एच थ्री एच सी एल हमने डिस्कस किया था सी ओ टू ये सारे क्या हो जाते हैं ये एड्जॉर्बेट हो जाते हैं गैस विच हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर ऑब्ज़र्व टू ग्रेटर एक्सटेंट तो क्या होता है जिनका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो एडजर्व होती है ग्रेट एक्सटेंट में वेयर एच टू ओ ओ टू एंड टू ये सारे इसके एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे आपका ये लेस अमाउट में एबजर्व होते हैं द केमिकल ऑब्जॉर्प्शन बींग हाईली स्पेसिफिक तो केमिकल जो ऑब्जॉपशंस होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है देयर फॉर ए गैस गेट्स ऑब्जॉर्ब ऑन द स्पेसिफिक सॉलिड ऑनली इट ओनली इफ इट एंटर इंटू केमिकल कॉम्बिनेशन विद इट तो हमने डिस्कस किया कि जो हमारी गैसेज है वो लार्ज एक्सटेंट में भी हो सकती है एब्जर्व और स्मॉलर में भी तो ये क्या क्या होता है इसमें मतलब क्या होती है गैस जो होती है गैस हमारी एड्जर्व होती है स्पेसिफिक सॉलिड्स में होती है हाईली भी हो सकती है लोअर भी हो सकती है लेकिन इनके साथ क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं ठीक है? है तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ अब्जर्बेंट तो हमने फर्स्ट नेचर डिस्कस किया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और हम एड्जॉर्बेंट का डिस्कस करेंगे जैसे आपके पास है एक्टिवेटेड कार्बन हमने एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस करवाया था बेटे मैंने आपको इसका मेटल ऑक्साइड्स लाइक एलमियम एलमियम ऑक्साइड की भी एग्जाम्पल ले सकते हो सिली का जेल तो मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल दी थी आपको सिली का जेल की क्ले की भी दी थी मैंने आपको जब भी मैंने आपको फर्स्टली सरफेस कमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन दी थी तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी थी जैसे आपने क्या किया एक कंटेनर में आप क्या कर रहे हो कुछ भी आपने उसमें क्या किया अक, मतलब वैसे ही उसको वेट मेज़र किया ठीक है आपने कंटेनर लिया तो उसका वेट मेज़र करोगे तो उसमें आपको पता ही है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है तो फिर क्या करोगे उसमें फिर उसको आप उसमें क्या रखोगे एक्टिवेटेड कार्बन को रखोगे फिर उसके बाद आप उसका वेट मेज़र करोगे क्या होगा वो जो गैसेज होगी उनको अपने अंदर अब्जर्व कर लेगा और उनका वेट क्या हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑड्ज़र्बेंट ठीक है तो इसमें क्या है उसका क्या एरिया है एडजर्बेंट का हमारे पास तो दी ग्रेटर दी स्पेसिफिक एरिया मोर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जॉपन तो जब भी आपके पास ग्रेटर एरिया जो होगा ग्रेट uh, हो मतलब बड़ा होगा स्पेसिफिक एरिया ठीक है तो आपकी क्या होगी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉप्शन भी क्या होगी मोर देन होगी पहले से जो आपकी uh, मतलब uh, कम एरिए में थी दैट इज़ वाई पोर्स और फाइनली डिवाइडेड फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंट लार्जेस्ट लार्जेस्टि क्वान्टिटीज ऑफ एडजॉर्बेंट ठीक है दी पोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ दी गैस मॉलिक्यूल्स टू वी एंटर तो ये हमने डिस्कस किया था आपकी प्रीवियस क्लासेज में बेटा एक्टिविटी करवाई कर थी वो आप अपनी रिवाइज करना एक दो बार नेक्स्ट स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट तो अभी उनका कैसे स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट तो हमने ये डिस्कस कर लिया है आलमोस्ट तो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपकी प्रेशर ऑफ द गैस तो गैसेस का प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ विद इंक्रीज इन प्रेशर जो फिज़िकल एबजॉपन होती है वो इंक्रीज कर दी है इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन प्रेशर तो इसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं हम डिस्कस करेंगे आपकी एब्जॉर्प्शन एसोथर्म्स तो वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस ऑब्जर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्पर कैन टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस बाई मीन्स ऑफ करविस टर्म ऑडजॉप्शन आइसोथम तो एड्जॉपन आइसोथम क्या होती है बेटा ये एक आपका ग्राफ होता है जो आप प्लॉट करते हो ठीक है तो ये आप किसके बीच प्लॉट करते हो ग्राफ बेटा ये आपकी कंसिड्रेशन और प्रेशर के बीच आप प्लॉट करते हो ये हम आपकी लेटर नेक्स्ट वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे बेटा तो आप बेसिकली ये जान लो क्या होता है एड्जॉपन आइसोथम इसमें क्या है वेरिएशन इन दी अमाउंट ऑफ गैस ऑब्जर्वड तो जो ऑब्जर्व की गई है आपकी गैसेस बाय ऑब्जर्वेंट तो जो ऑब्जर्वेंट के द्वारा आपकी गैसेस ऑब्जर्व की गई है उनके ऊपर क्या लगा था हमारा प्रेशर लगा था ठीक है लेकिन उनका टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है हमारा जो एक्सप्रेस करता है एक कर को क्योंकि हमारी गैसेस बहुत सारी गैसेस है उनमें एडजॉर्प्शन होने में मतलब एडजॉप्शन क्या है वो चेंज शो करती है किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है तो उसको हम कर्व पर शो करते हैं तो इसको एड्जॉप्शन आइसोथम बोलते हैं ओके थैंक यू बच्चे नेक्स्ट हम आप इसका जो है ग्राफ नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे